बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिल्ली से सीधे दिखाते हैं जहां पहलवानों को हिरासत में लिया गया है। देखिए उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, संसद की तरफ कूच कर रहे थे ये पहलवान और उस दौरान दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। आज नई संसद देश को समर्पित हुई है, आज उद्घाटन हुआ है और पहलवानों का धरना देखिए जंतर मंतर पर लगातार जारी था कई दिनों से, लेकिन संसद की तरफ ये पहलवान कूच करते हुए नजर आ रहे थे तो उस दौरान दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जंतर मंतर से, ये तस्वीरें देखिए जहां पर देखिए साक्षी मलिक को भी अरेस्ट किया गया है, बजरंग पुनिया को अरेस्ट किया गया है। पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं पहलवानों के प्रदर्शन की, ये पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर जब हिरासत में पहलवान लिए जा रहे थे वहां पर देखिए किस तरह से साक्षी मलिक को हिरासत में लिया गया है, बजरंग पुनिया को भी हिरासत में लिया गया है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे की ये तस्वीर और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन पहलवानों को अरेस्ट कर लिया है। जहां पर आगे देखिए इन तस्वीरों में आपको तमाम पहलवान नजर आएंगे, वहां पर बजरंग पुनिया की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है जिनको हिरासत में लिया गया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी दौरान वहां दिल्ली पुलिस पहुंची और जब ये संसद की ओर कूच कर रहे थे तो इनको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया पहलवानों को उस दौरान की भी ये तस्वीरें। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवानों का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है और आज संसद की ओर कूच करते समय जब ये पहलवान वहां से निकले तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, पहलवान साक्षी मलिक को जब हिरासत में लिया गया उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब जंतर मंतर पर खूब हंगामा हुआ और संसद की तरफ बढ़ रहे थे तमाम पहलवान और दिल्ली पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उनको हिरासत में ले लिया गया। साक्षी मलिक को जब हिरासत में लिया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पहलवानों का तो वहां पर जमावड़ा लगा ही हुआ है लेकिन भारी पुलिस फोर्स की भी वहां पर मौजूदगी है। साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया गया है, वो पहलवान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर कई दिनों से, उनका प्रदर्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार जारी है। अपनी मांगों के साथ वो डटे हुए हैं जंतर मंतर पर और आज का दिन दिल्ली के लिए बेहद अहम था क्योंकि आज नई संसद देश को समर्पित हुई है। आज दो चरणों में उद्घाटन हो रहा है दिल्ली में नई संसद का, नया भवन जो बनकर वहां तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में मौजूद और उन्होंने दो चरणों में आज उसका उद्घाटन करना है और उसी दौरान संसद की ओर कूच करते वक्त इन पहलवानों को हिरासत में लिया गया।